صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب بحق کے چادرے زہرا ادھر بھی ایک نظر بحق کے چادرے زہرا ادھر بھی ایک نظر غبار راہ میں ہے شاہ سوار ہم بھی ہیں غبار راہ میں ہے شاہ سوار ہم بھی ہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پڑھیے صلی اللہ علیہ بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے
जाके मिल गजालियों में बैठना, जुनैदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ जा, जुनैदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ जा। दुरूद पढ़े नमाज पढ़े इबादतों के राज पढ़े, दुरूद पढ़े नमाज पढ़े इबादतों के राज पढ़े, सफ़ेहे सब बिछी हुई इश्क वालियों में बैठ जा, सफे हैं सब बिछी हुई इश्क वालियों बैठ जा, वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, जो खलवतें अजीज हो तो हुजूम में निकल, जो खलवतें अजीज हो तो हुजूम में निकल, चाहिए तो फिर धमालियों में बैठ जा, सुकून चाहिए तो फिर धमालियों में बैठ जा, सुकून चाहिए तो फिर धमालियों में बैठ जा, जो चाहता है गुलस्तान मुस्तफा की नौकरी, जो चाहता है गुलस्तान मुस्तफा की नौकरी तो भूए मुस्तफा पहने, तो भूए मुस्तफा पहने के मालियों में बैठ जा, तो भूए मुस्तफा पहने के मालियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। और इसी तरह एक महफिल में मैं ये कलाम पेश कर रहा था तो वहाँ पर एक शायर बैठे थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक शेर का इस कलाम में इजाफा किया और मेरे ख्याल में इसी मजमून की इस कलाम में कमी थी जो उन्होंने पूरी की। समाअत फरमाए कि जो चाहता है खुल्द में मुनफरिद तेरा मकाम हो, जो चाहता है खुल्द में मुनफरिद तेरा मकाम हो, तो पंजतन से इश्क कर हलालियों में बैठ जा, तो पंजतन से इश्क कर
हलालियों में बैठ जा तो पंजतन से इश्क कर, हलालियों में बैठ जा, हर एक सांस पर जो ने को देखने का शौक है, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा। मुजफ्फर आप तक रसाई इतनी सहल तो नहीं, तवज्जो चाहिए अगर तो यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए अगर तो यरगमालियों में बैठ जा, वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। आ चुके साहबजादा सब मौजूद हैं। आज से करीबन 6-7 साल कबल हज़रत सैयदी मंजूर कुनैन रहमतुल्लाह अलैह एक महफिल में मौजूद थे, तो उनके सामने मैंने अपने उस्ताद ग्रामी हज़रत मुजफ्फर वासी अलैह रहमा का एक कलाम पेश किया था, जो उसके बाद मैं आज पेश करने लगा हूँ क्योंकि आप मौजूद हैं। और वो कलाम सुन के आप पर एक बहुत वजदानी कैफियत थी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल, दिले तीरा लिए जब सूए मुहम्मद निकला, दिले तीरा लिए जब सूए मुहम्मद निकला, दिले तीरा लिए जब सूए मुहम्मद निकला, निकला रोशनी बांटने बाजुए मुहम्मद निकला, जब भी दुनिया की हवाए मुझे लेने आई,
चादरे खुशबूए मुहम्मद निकला। और मक्ते से कबल आखिरी शेर, और ये है वो शेर जो कोनैन साहब ने कम से कम 4-5 दफा मुकर्रर इसका हुक्म किया था कि लालाओ गुल ही न थे आपके कदमों के निशान, लालाओ गुल ही न थे आपके कदमों के निशान, चांद भी हल्काए गेसुए मुहम्मद निकला, चांद भी हल्काए गेसुए मुहम्मद निकला। और हम समझते थे मुजफ्फर को बहुत ही कमतर, हम समझते मुजफ्फर को बहुत ही कमतर, वो सितमगर तो सगे कुए मुहम्मद निकला, वो सितमगर तो अरे वो सितमगर तो सगे कुए मुहम्मद निकला।